बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 34th लेक्चर है। चैप्टर नंबर 6 जो है हमने स्टार्ट किया, वह फार्मास्यूटिक्स में डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म की हम टाइप्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं। आज डोजेज फॉर्म का पार्ट 7 है। आज हम फर्दर जो है डोजेज फॉर्म की फर्दर टाइप जो है वो डिस्कस करते हैं। डोजेज फॉर्म की टाइप्स में हमने लोजेंजेस, सीरप्स एंड सस्पेंशंस को स्टडी कर लिया है। आज हम सबसे पहले एलिक्सर्स को स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम एलिक्सर्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं। एलिक्सर्स जो हैं वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं। जैसे हमने सस्पेंशन और सीरप्स के बारे में पढ़ा था, एलिक्सर्स भी उसी फैमिली से हैं लेकिन उससे डिफरेंट हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म है एलिक्सर्स, क्लियर होते हैं, ज़्यादातर क्लियर इनका कलर होता है। इसके अलावा स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और मेन डिफरेंस जो है इनमें वो ये होता है, ये हाइड्रो अल्कोहलिक होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती हैं एलिक्सर्स। एलिक्सर्स जो हैं वो ओरल डोजेज फॉर्म है, ओरली लिए जाते हैं ये। डिफरेंट कफ सीरप्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं एलिक्सर्स में। इसके अलावा डिफरेंट मेडिकेशंस जो हैं, मेडिकमेंट्स जो हैं वो अल्कोहल में जो सॉल्युबल होती हैं उनको भी यूज़ किया जाता है एलिक्सर्स की फॉर्म में। तो एलिक्सर जो होते हैं वो हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है विच इज़ यूज ओरली। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एलिक्सर का। सीरप्स जो हैं, सीरप्स और एलिक्सर्स दोनों में डिफरेंस है। सीरप्स जो हैं वो विस्कस होते हैं, शुगर उनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। अल्कोहल जो है वो नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत ही उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ही कम होती है। लेकिन जो एलिक्सर्स हैं वो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। एलिक्सर्स जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं भी, ये हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस। एलिक्सर्स डेफिनेशन, एलिक्सर आर क्लियर फ्लेवर्ड स्वीटन्ड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एलिक्सर जो हैं वो क्लियर होते हैं, क्लियर कलर होता है, फ्लेवर्ड होते हैं, फ्लेवर ऐड होता है उसमें, स्वीटेंड होते हैं, उस तरह से स्वीटेंड नहीं होते जिस तरह से सीरप होते हैं लेकिन स्वीटेंड होते हैं। हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन रहेंगे, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ओरली जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एलिक्सर जो है वो क्लियर फ्लेवर्ड स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन जो हैं उनको एलिक्सर्स कहा जाता है। जो ओरल ओरली जो है उसको ओरली एडमिनिस्ट्रेशन उनको किया जाता है एलिक्सर्स को। एलिक्सर्स ऑफन रिक्वायर डाइल्यूशन बिफोर यूज आर एडमिनिस्ट्रेशन, दीज आर स्टेबल एज कम्पेयर टू मिक्सचर्स। जब एलिक्सर्स बनाए जाते हैं उनकी डाइल्यूशन भी की जा सकती है। डाइल्यूशन का मतलब ये है कि हम इसके अलावा व्हीकल जो है सॉल्वेंट है जो भी लिक्विड है उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो है उसको ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा ये ज़्यादा स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल हैं? क्योंकि इसमें ये हाइड्रो अल्कोहलिक है, अल्कोहल इसमें ऐड है, अल्कोहल की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मिक्सचर्स जो हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के मिक्सचर्स प्रिपरेशन को कहते हैं, उसके कंपेयर जो हैं ये एलिक्सर्स जो हैं ये ज़्यादा स्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल सीरप्स हैं उससे ज़्यादा स्टेबल जो हैं वो एलिक्सर्स होंगे। ये इसकी डेफिनेशन थी एलिक्सर की। नेक्स्ट इसकी टाइप्स देखते हैं एलिक्सर्स की, कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एलिक्सर, एलिक्सर्स जो हैं मेडिकेटेड एलिक्सर्स होते हैं या फिर नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर। टू टाइप्स हैं इसकी, मेडिकेटेड एलिक्सर, नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर।
मेडिकेटेड एलिक्सर्स, दीज एलिक्सर्स कंटेन वन और मोर मेडिकमेंट्स इन हाइड्रो अल्कोहलिक व्हीकल। मेडिकेटेड एलिक्सर्स जो हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा जो है वो ड्रग ऐड होती है, मेडिसिन ऐड होती है हाइड्रो अल्कोहलिक व्हीकल में, उसको मेडिकेटेड एलिक्सर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी है फिनोबारबिटॉल एलिक्सर आ जाती है, इसके अलावा और भी एलिक्सर्स हैं, डाइजॉक्सिन एलिक्सर्स भी हैं। तो डिफरेंट जो है मेडिकेटेड एलिक्सर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। कफ सीरप, कफ जो हैं कफ से रिलेटेड डिफरेंट एलिक्सर्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स डू नॉट कंटेन एनी ड्रग। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स डू नॉट कंटेन एनी ड्रग। नॉन मेडिकेटेड जो एलिक्सर्स होते हैं उसमें ड्रग मौजूद नहीं होती। दीज आर यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट व्हीकल फॉर मेडिकमेंट्स एंड ऑल्सो एज डाइल्यूटिंग एजेंट। अब हमारे पास नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर मौजूद है, हमने सिर्फ उसमें ड्रग ऐड करनी है। अब नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स में फ्लेवरिंग एजेंट जो है उसको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, उसको व्हीकल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है और उसको डाइल्यूटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है हमने एलिक्सर तैयार कर ली और हमने उसको डाइल्यूट करना है और उसकी जो है क्वान्टिटी बढ़ानी है, तो हम नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर जो हैं वो यूज़ करेंगे उसको डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, मेडिकेटेड एलिक्सर्स जो होते हैं उसमें मेडिसिन ऐड होती है, वन और मोर जो है वो ड्रग ऐड होती है, जबकि नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स जो हैं वो उसमें कोई ड्रग ऐड नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स में एरोमेटिक एलिक्सर आ जाते हैं। एरोमेटिक एलिक्सर्स जो हैं वो नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स हैं जिसको एज ए फ्लेवरिंग एजेंट व्हीकल फॉर मेडिकमेंट्स एंड डाइल्यूटिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसकी टाइप्स हैं एलिक्सर्स की, मेडिकेटेड एलिक्सर्स एंड नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एलिक्सर। कंपोजिशन ऑफ एलिक्सर, एलिक्सर्स जो हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज़ से मिलके जो है वो एलिक्सर को बनाया जाता है। अल्कोहल, अल्कोहल जो है वो 10-35% है। 10-35% का मतलब ये है, मतलब इसकी अल्कोहल की डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं, कंसंट्रेशन होती है अल्कोहल की, कितनी कंसंट्रेशन जो है अल्कोहल की प्रेजेंट है उसमें। तो अल्कोहल जो है 10-35% अल्कोहल जो है वो यूज़ होता है। 10-35 जो है, 10 जो है बहुत कम है, कम क्वांटिटी है अल्कोहल की। 35% तक जो है, 10-35% जो है अल्कोहल की उसकी कंसंट्रेशन जो है वो यूज़ की जाती है एलिक्सर में। और ये डिपेंड भी करता है कि जो अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल इन्फेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनकी जो प्रिपरेशन बनाई जाती है उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम इस्तेमाल की जाती है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। अल्कोहल जो है, कुछ मेडिसिन जो हैं वो अल्कोहल में सॉल्युबल होती हैं, एक तो इस वजह से भी अल्कोहल यूज़ की जा रही है, किया जा रहा है, इंग्रेडिएंट्स जो है उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अल्कोहल जो है एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी एक्ट करता है, उसकी एक्शन है, उसका एक्शन है। तो कंपोजिशन ऑफ एलिक्सर में अल्कोहल है 10-35%, 35, इसके अलावा डिफरेंट और भी इसकी परसेंटेजेस होती हैं, 40-50-60, मतलब परसेंटेजेस होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है हमने एलिक्सर्स में अल्कोहल की कितनी परसेंटेज, कितनी क्वांटिटी उसकी कंसंट्रेशन यूज़ करनी है। इसके अलावा एलिक्सर्स में वाटर भी है, ग्लिसरीन भी है। ग्लिसरीन जो है एज ए स्वीटनर के तौर पे यूज़ की जाती है। इसके अलावा डिफरेंट मेडिकमेंट्स जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी ग्लिसरीन जो है उससे इंक्रीज होती है। इसके अलावा सिरप जो है इसमें, इसलिए उसके स्वीटनर के तौर पे जो है वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उसका स्वीट टेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए सिरप यूज़ किया जा सकता है। सॉर्बिटॉल है, फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं और प्रिजर्वेटिव भी।
प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता है, डिपेंड करता है कितना यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल ऐड है तो हम प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे, प्रिजर्वेटिव भी ऐड होगा ताकि उसका जो स्टेबिलिटी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये इसकी कंपोजिशन थी एलिक्सर्स की। तो जब इसकी प्रिपरेशन होती है एलिक्सर्स की, तो हम इसके सारे जो कंपोजिशन है इसमें जितने भी सब्सटेंसेस, जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं उनको आपस में मिक्स करते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं इसकी। एलिक्सर्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल सॉल्यूशन विद एजिटेशन। एलिक्सर्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल सॉल्यूशन विद एजिटेशन। एलिक्सर्स को सिंपल जो है, जैसे हमने कंपोजिशन में पढ़ा है, अल्कोहल, वाटर, ग्लिसरीन, सिरप, इन चीज़ों को सिंपली जो है मिक्स किया जाता है और एजिटेशन की जाती है, उसको मिक्स किया जाता है, हिलाया जाता है। अल्कोहल सॉल्युबल ड्रग्स विल मिक्स इन अल्कोहल। जो ड्रग्स अल्कोहल में सॉल्युबल हैं उनको सबसे पहले अल्कोहल में डाला जाता है, अल्कोहल में मिक्स किया जाता है। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स विल मिक्स इन वाटर सेपरेटली। अब जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनको वाटर में अलग से मिक्स किया जाएगा, ठीक है। पहले अल्कोहल सॉल्युबल ड्रग्स को अल्कोहल में मिक्स करना है, इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनको वाटर में मिक्स किया जाएगा। देन एक्वस सॉल्यूशन इज एडेड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इसके बाद जो है एक्वस, जो वाटर सॉल्युबल जो प्रिपरेशन मिक्सचर था, वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स हैं उनको अल्कोहलिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा। एट लास्ट वॉल्यूम इज मेड अप विद सूटेबल व्हीकल। इसके बाद जब वो एलिक्सर तैयार हो जाएगा कि वाटर सॉल्युबल और अल्कोहल सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं उनको हमने मिक्स कर दिया, इसके बाद उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज किया जाएगा सूटेबल व्हीकल से, सूटेबल व्हीकल से जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया जाएगा। तो इस तरह से सिंपली जो है एलिक्सर्स को इस तरह से तैयार किया जाता है, बहुत ही इजी इसका मेथड है प्रिपरेशन। एलिक्सर्स को सिंपली जो है एजिटेशन की जाती है, उसको मिक्स किया जाता है, अल्कोहल सॉल्युबल ड्रग्स अल्कोहल में होती हैं सॉल्युबल, उसको मिक्स किया जाता है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स को वाटर में किया जाता है। इसके बाद जो एक्वस है वाटर सॉल्युबल ड्रग्स उनको जो है अल्कोहल सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, और आखिर में जो है उसका वॉल्यूम मेड अप किया जाता है बाय सूटेबल व्हीकल। जैसे हमने व्हीकल जो है वो नॉन मेडिकेटेड जो व्हीकल हैं वो एज ए उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, डाइल्यूशन के लिए उनको यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं एलिक्सर के। दीज आर स्टेबल एज कम्पेयर टू मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के मुकाबले में ये स्टेबल हैं, अल्कोहल इसमें ऐड है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग्स। अल्कोहलिक प्रिपरेशन जो है ये बिटर टेस्ट, ड्रग की बिटर टेस्ट को जो है मास्क कर रहे हैं, बिटर टेस्ट जो है वो इसकी वजह से नहीं होता। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं एलिक्सर के। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें आ जाते हैं एफिड्रीन एलिक्सर है, डाइजॉक्सिन एलिक्सर है, क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर है, डेक्सामिथासोन एलिक्सर है। तो ये डिफरेंट एलिक्सर्स हैं, प्रिपरेशंस हैं जो यूज़ की जाती हैं, जिन भी प्रिपरेशन जो हैं यूज़ की जाती हैं, एफिड्रीन एलिक्सर, डाइजॉक्सिन एलिक्सर, क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर एंड डेक्सामिथासोन एलिक्सर। इसके अलावा और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनको जो इनको यूज़ किया जाता है एलिक्सर्स को। नेक्स्ट इसकी स्टोरेज एंड पैकेजिंग। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, एज एलिक्सर कंटेन अल्कोहल सो दे आर पैक्ड एंड स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल की वजह से इसको जो है एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर किया जाता है। वोलेटाइल ऑयल है, इसके अलावा अल्कोहल जो है वो भी वोलेटाइल ही है, इस वजह से जो है इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है।
एलेक्सा शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट, हीट से प्रोटेक्ट किया जाता है इसको। तो ये इसके स्टोरेज एंड पैकेजिंग है एलेक्सा की। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एलेक्सा एंड सीरप। एलेक्सा एंड सीरप दोनों में क्या डिफरेंस है? एलेक्सा जो है अभी हमने कंप्लीट कर ली है एलेक्सा का टॉपिक, अभी हम उसमें डिफरेंस देखते हैं कि एलेक्सा में और सीरप में क्या डिफरेंस है। इन एलेक्सा अल्कोहल इज प्रेजेंट, एलेक्सा में जो है वो अल्कोहल प्रेजेंट होता है। सीरप्स अल्कोहल इज नॉट प्रेजेंट, सीरप्स में जो है अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होता। एलेक्सा आर लेस स्वीट एंड सीरप्स आर मोर स्वीट। एलेक्सा जो है उनमें स्वीट टेस्ट कम होता है, स्वीट कम होता है ये। इसके अलावा सीरप जो है दे आर मोर स्वीट। एलेक्सा आर लेस विस्कस, लेस विस्कस इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है, थिकनेस जो है वो कम है। सीरप्स आर मोर विस्कस। एलेक्सा लेस प्रोपोर्शन ऑफ शुगर, एलेक्सा में जो है शुगर की प्रोपोर्शन जो है क्वांटिटी कम होती है। सीरप्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ शुगर में प्रेजेंट, सीरप्स में जो है शुगर की प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एलेक्सा आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल होते हैं एलेक्सा बिकॉज दे हैव अल्कोहल, उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। सीरप्स नॉट एज स्टेबल एज एलेक्सा, सीरप जो हैं एलेक्सा जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं जबकि सीरप जो हैं उतने स्टेबल नहीं होते। एलेक्सा आर ईजी टू मेक, एलेक्सा जो हैं उनको ईजीली बनाया जा सकता है। सीरप, सीरप्स नॉट ईजी टू मेक, सीरप जो है उनको उनको जो है बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। उनके डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड आपने देखे थे किस तरह से सीरप्स को तैयार किया जाता है, जबकि एलेक्सा की जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा ईजी है। एलेक्सा कैन बी गिवन टू डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको दिया जा सकता है, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं। सीरप्स कैन नॉट बी गिवन टू डायबिटिक पेशेंट, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको सीरप्स नहीं दिया जा सकता क्योंकि सुक्रोज की बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होती है उसमें। एलेक्सा आर क्लियर, क्लियर होते हैं ज़्यादातर। सीरप्स आर नॉट सो क्लियर, सीरप जो हैं वो क्लियर नहीं होते क्योंकि सीरप्स की विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है, कलर भी ज़्यादातर ऐड किया जाता है, जबकि एलेक्सा जो हैं मोर क्लियर होते हैं। तो ये डिफरेंस था एलेक्सा और सीरप्स का कि एलेक्सा और सीरप्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, आज हमने फर्स्ट डोजेज फॉर्म जो थी हमारी वो एलेक्सा थी और आज हमने एलेक्सा और सीरप्स के बारे में उसका डिफरेंस पढ़ा है। आज हमारी सेकंड डोजेज फॉर्म जो हम पढ़ेंगे वो है लोशंस। लोशंस जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है, कॉमनली जो है वो लोशंस को यूज़ किया जाता है घरों में। ज़्यादातर लोशंस जो हैं वो ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ में, डिफरेंट कंडीशन, स्किन कंडीशंस में स्पेशली सरफेस ऑफ स्किन के ऊपर यूज़ किया जाता है, स्किन की सरफेस पे, स्किन की डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट जो है उसमें यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इचिंग है, ख़ारिश है, या फिर कोई भी मसला है स्किन का, उसके ऊपर लोशंस को यूज़ किया जाता है। लोशंस जो है वो एक तो सूदिंग इफ़ेक्ट ऊपर प्रोड्यूस करते हैं स्किन के ऊपर, ड्राइनेस को ख़त्म करते हैं। तो ये लोशंस ऐसी प्रिपरेशन है, लिक्विड लिक्विड प्रिपरेशंस हैं लोशंस, तो इसको जो है उसमें स्किन की सरफेस पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ते हैं लोशंस को, लोशंस के बारे में डेफिनेशन। लोशंस आर लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन सरफेस ऑफ स्किन। लोशंस आर लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन सरफेस ऑफ स्किन। लिक्विड प्रिपरेशन हैं जो सरफेस ऑफ स्किन के ऊपर यूज की जाती हैं।
लोशंस में भी सोल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शंस। लोशंस जो हैं वो सोल्यूशंस भी हो सकते हैं, सस्पेंशंस भी हो सकती हैं और इमल्शंस भी हो सकते हैं। सोल्यूशन सिंपल हो सकते हैं लोशन या सस्पेंशन, उसमें जो है ड्रग्स जो है वो सस्पेंडेड होगी। इमल्शन में ऑयल ऑयल वाटर इमल्शंस होती हैं। तो इनमें से सोल्यूशंस जो हैं लोशंस जो हैं वो सोल्यूशंस भी हो सकते हैं, सस्पेंशन भी और इमल्शंस भी। कंपोजिशन ऑफ लोशन, लोशन की क्या कंपोजिशन है? मेडिसिनल एजेंट्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं जो इनसॉल्युबल ड्रग्स है उसको उस सोल्यूशन के अंदर सस्पेंड करने के लिए जो है वो सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गम्स आ जाते हैं, डिफरेंट गम्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट में भी डिफरेंट गम्स यूज़ की जाती हैं ताकि जो है ऑयल ऑयल बेस ऑयल वाटर वाटर ऑयल जो है बेस जो हमने बनानी है लोशन वो इजीली जो है वो बन जाए, इसलिए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेटिव एंड डिस्टिल्ड वाटर, ये चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं लोशन की कंपोजिशन में। लोशन जो है इन इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है। मेडिसिनल एजेंट्स हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं एंड डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन आ जाती है। लोशंस को किस तरीके से बनाया जा सकता है? लोशंस आर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रिचुरेशन एंड लेविगेशन। हमने ट्रिचुरेशन एंड लेविगेशन जो है चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में दोनों टॉपिक्स जो हैं वो पढ़े हैं। तो इन दोनों मेथड से जो है वो लोशन को प्रिपेयर किया जाता है। ट्रिचुरेशन में हमने देखा था उसमें ड्रग को जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस को उसके ड्राई जो है वो ट्रिचुरेट किया जाता है, उसको मॉर्टर एंड पेस्टल में जो है उसका साइज डिक्रीज किया जाता है। इसके अलावा लेविगेशन में हमने देखा था वाटर ऐड किया जाता है या फिर कोई भी सॉल्वेंट ऐड किया जाता है उसमें उसको लेविगेट किया जाता है और उसमें स्पैचुला के ज़रिए से जो है लेविगेशन की जाती है। तो ये दोनों मेथड से जो हमने डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, इन दो मेथड से जो है वो लोशंस को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोशन, लोशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह का लोशन होना चाहिए? लोशंस आर प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इन मैनी लोशन ड्रग्स आर प्रेजेंट इन फाइन पाउडर विच आर इनसॉल्युबल इन व्हीकल, सो सस्पेंडेड एजेंट्स आर यूज टू सस्पेंड दीज इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल। अब कुछ लोशंस ऐसे होते हैं जिसमें फाइन पाउडर ऐड होता है, इनसॉल्युबल होता है व्हीकल में, तो सस्पेंडिंग एजेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि वो फाइन पाउडर वो सस्पेंड हो जाए इनसॉल्युबल उसमें व्हीकल में। लोशन में भी अप्लाइड ऑन द इन्फ्लेम्ड एरिया, लोशन जो है स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, सूजिश हुई हुई है, एलर्जिक रिएक्शन हुआ हुआ है स्किन के ऊपर, तो लोशन को यूज़ किया जाता है। यूजेज ऑफ लोशन, लोशन के क्या यूजेज हैं? लोशंस आर यूज एज स्किन प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि जो है अगर ड्राइनेस हो रही है जो है वेदर जो है वो सही नहीं है और स्किन ड्राई हो रही है, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो लोशन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एज मॉइस्चराइज़र के तौर पे मॉइस्चराइज़र एज स्किन सॉफ्टनर, मॉइस्चराइज़र और स्किन सॉफ्टनर के मॉइस्चराइज़र के तौर पे स्किन ड्राई हो रही है, इची है, इसके अलावा स्किन जो है ड्राइनेस के साथ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो मॉइस्चराइज़र और स्किन को सॉफ्ट करने के लिए जो है वो लोशन को यूज़ किया जाता है। एज एंटी फंगल,
डिफरेंट लोशंस आते हैं एज ए एंटी फंगल के तौर पे, जिनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में किसी भी स्किन के किसी भी पार्ट में, तो फिर लोशन जो है वो यूज़ किया जाता है एज ए एंटी फंगल। डिफरेंट एंटी फंगल लोशन अवेलेबल है मार्केट में एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ए लोकल एनेस्थेटिक। एज एंटी इन्फ्लेमेटरी डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन में जो है स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो लोकल एज ए लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक भी है कि स्किन को जो है थोड़ी देर के लिए वो सुन कर देती है जगह को, अगर ज़्यादा जो है स्किन की कंडीशन ख़राब है। तो डिफरेंट लोशंस जो हैं उनको एज एंटी इन्फ्लेमेटरी उसमें मेडिसिन ऐड होती है जिसको इन्फ्लेमेशन में यूज़ किया जाता है, और लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे भी। ये इसके यूजेस थे लोशन के। प्रिकॉशंस, शेक वेल बिफोर यूज़, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली अप्लाई लोशन विदाउट रबिंग। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो उसमें लेबल के ऊपर दिए गए होते हैं लोशन के ऊपर, कि उसको अगर उसमें ड्रग जो है वो सस्पेंडेड ड्रग है, इनसॉल्युबल ड्रग है, तो उसको शेक करना है उसको प्रॉपर, उसके बाद उसको यूज़ करना है। फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली के ये लेबल के ऊपर दिया गया होता है कि उसको सिर्फ स्किन पे यूज़ करना है और कहीं यूज़ नहीं करना। अप्लाई लोशन विदाउट रबिंग के बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले ही अगर कंडीशन जो है वो स्किन की सही नहीं है तो बहुत ज़्यादा रबिंग जो है वो सही नहीं होती, इस वजह से ज़्यादा रबिंग नहीं की जाती, उसको लोशन को सिंपली अप्लाई कर दिया जाता है। स्टोरेज, लोशन शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। लोशन को जो है वो वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर किया जाएगा। एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं इसकी, लोशंस की बहुत ज़्यादा जो है लोशंस में मेडिकेटेड लोशंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। कैलामिन लोशन है, स्किन के ऊपर एलर्जी है, ख़ारिश है, उसके लिए कैलामिन लोशन जो है वो यूज़ किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड लोशन भी है, उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और आपको नज़र आ रहे होंगे एक क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट टॉपिकल लोशन है, ये स्किन की डिफरेंट कंडीशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट लोशन है, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लोशंस की जो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, स्किन की डिफरेंट कंडीशंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो ये आज की सेकंड डोजेज फॉर्म थी लोशन, सिंपल जो है उसमें डिटेल है, ज़्यादा जो है उसमें मुश्किल नहीं है इसमें चीज़। तो आज हमने टू डोजेज फॉर्म पढ़ी हैं टाइप्स, एक हमने एलिक्सर पढ़ी है और एक दूसरी हमने लोशंस पढ़ा है। तो आपके असाइनमेंट ये है कि सीरप्स और एलिक्सर का डिफरेंस आपने लिखना है, इसके अलावा लोशन के यूजेस जो हैं ये आपने लिख के दिखाना है, ये आपके असाइनमेंट है। तो लेक्चर आपने पूरा नोट करना है, सुनना है और जो है याद करना है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।